विजयदशमी के पर्व पर सोहना में निकाली गई महाकाल की सवारी। हजारों लोग हुए महाकाल की झांकियों में शामिल। शिवकुंड नामक गर्म पानी के चश्मा से की गई शुरुआत। देर रात तक कस्बे के चौक चौराहों से घूमी महाकाल की झांकियां। अनाज मंडी में समापन करने के बाद किया गया रावण दहन। विजयदशमी के पर्व पर सोहना वासियों द्वारा निकाली गई महाकाल की सवारी प्रदर्शन का केंद्र बनी रही। महाकाल की सवारी की शुरुआत कस्बे के विख्यात पर्यटक स्थल शिवकुंड नामक गर्म पानी के चश्मा से शुरू की गई, जिसके बाद महाकाल की सवारी को हजारों लोगों की भीड़ के साथ डीजे की धुन व ढोल नगाड़ों की थाप पर कस्बे के चौक चौराहों पर घुमाया गया। इस मौके पर विभिन्न देवी देवताओं की मनमोहक झांकियां भी महाकाल सवारी के साथ निकाली गई, जहां पर महाकाल के भक्तों ने महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस यात्रा का समापन कस्बे की अनाज मंडी में करने के बाद रावण दहन किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों की भारी भीड़ के साथ कस्बे के मौजूद लोग, बीजेपी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं सहित सोहना के नवनिर्वाचित विधायक तेजपाल तंवर मुख्य रूप से मौजूद रहे। देखिए सोहना में निकाली जाने वाली महाकाल सवारी की कुछ मुख्य झलकियां।
लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।